एस के स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है। इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम में आने वाले सारे सवालों पर आपकी एक समझ और एक विचार को विकसित करना है। हम यूपी पीसीएस की क्लास आपके लिए लगातार संचालित कर रहे हैं। पीछे हमारी 4 से 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल भूमि आईएएस पे पब्लिश हो चुकी हैं, वहाँ से आप अपनी क्लास देख सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि आईएएस पे आपको मिल जाएगी। किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि आईएएस पे विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी पीसीएस की क्लास का चैप्टर 4 है। इस चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब यह है कि पीछे हम चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय कर रहा है, जिसके 2 पार्ट रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा सांस्कृतिक परिचय कर रहा है, जिसमें 3 लेक्चर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा संगठन और संस्थाओं का रहा है, जिसमें 3 लेक्चर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 8 से 9 लेक्चर हमारे पीछे रिकॉर्ड हो चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा बहुत पहले कंप्लीट हुआ था, आज चैप्टर 4 हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर 4 में जिन विषयों को हम चर्चा करेंगे वो हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इनकी एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम अपनी दूसरी क्लास को अपने प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड कौन से इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो सुमेल करने का है, और हम आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि जब भी सुमेल करने का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई हैं, इन दो सूचियों का मिलान का विकल्प आपके नीचे दिया गया है, आपको आंसर ढूंढना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा मिलान सही है। पहला है जेके मंदिर, दूसरा बराह मंदिर, तीसरा दान तीर्थ मंदिर और डी आपका गोला गोकर्णनाथ मंदिर। ये सूची 1 के मंदिरों की लिस्ट है। सूची 2 में इन मंदिरों के रिलेटेड जो स्थान है जैसे कानपुर, कासगंज, मेरठ और लखीमपुर खीरी, ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इन विकल्पों में से एक सही है। तो अगर आप पिछली क्लास हमारी देखे होंगे, जो इसके पहले की क्लास थी, चैप्टर 4 की पहली क्लास में हम इनमें से 2 जो आपको यहाँ नाम दिए गए हैं, इनमें से 2 नामों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं और उन 2 नामों की चर्चा के साथ हम ये बता चुके हैं कि वो क्यों प्रसिद्ध हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे बना है और वो किस स्थान से रिलेट करते हैं। तो उसमें पहला था जेके मंदिर। जेके मंदिर आपका कानपुर में पड़ता है। जेके मंदिर कानपुर में है, इसका मतलब ऑप्शन 1 है। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इन 4 विकल्पों में से ऑप्शन 1 जहां पे होगा वो आंसर आपका सही होगा, जहां ऑप्शन 1 नहीं होगा वो विकल्प आपका सही नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं किस किस विकल्प में ऑप्शन 1 है। ऑप्शन A में 1 है तो ऑप्शन A आपका विकल्प हो सकता है आंसर। ऑप्शन B में 1 है ये भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन C में 1 है ये भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन D में 1 नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन D आपका किसी भी परिस्थिति में आंसर नहीं हो सकता है। तो आपके आंसर की 3 संभावनाएं बनी, या तो ऑप्शन A, या तो ऑप्शन B, या तो ऑप्शन C। अब एलिमिनेशन मेथड के दूसरे स्टेप पर चलते हैं और ढूंढते हैं कि हमको दूसरा इंफॉर्मेशन कौन सा है जिसके बारे में हमें पता है। तो पिछले 2 क्लासेस में हमने कल ही चर्चा किया था गोला गोकर्णनाथ जो मंदिर है, यहाँ मेला भी लगता है और ये आपका कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में, यानी कि D का 4। अब एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा D का 4 मिल रहा है। ऑप्शन A में D का 4 है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन B में D का 4 है यस, ऑप्शन B हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन C में D का 4 है या नहीं, तो नहीं, ऑप्शन C में D का 4 नहीं, यानी कि ऑप्शन C भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
तो इस सूची के मिलान का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा बी। अब देखिए, हर बार की तरह मैंने आज भी यहाँ आपके साथ लिस्ट शेयर किया हुआ है, और जैसे हमने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य आपको क्वेश्चन पे एक समझ विकसित करना, एक इन्फॉर्मेशन आपका कलेक्शन करना, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएं। तो यहाँ लिस्ट दी गई है कुछ मंदिरों की, कुछ धार्मिक स्थलों की, उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। जेके मंदिर, जाजमऊ, बिठूर, मानकपुर, मूसानगर, ये तीनों जो स्थल हैं वो कानपुर से संबंधित हैं। ये सारे स्थल, जेके मंदिर, जाजमऊ, बिठूर और मानकपुर और मूसानगर, ये सारे स्थान कानपुर में स्थित हैं। इनमें से तीन स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखने चाहिए, जेके मंदिर, जाजमऊ और बिठूर, ये तीनों आपके कहाँ हैं, कानपुर में है। दूसरा, ब्रह्मवर्त तीर्थ और वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ पे है, बिठूर कानपुर में ही है। तो याद रखिएगा, हमने इसको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, कानपुर में है और बिठूर में है। अगर कानपुर के अंदर शहरों के हिसाब से पूछ ले तब भी आप क्लियर रहिए, और अगर जिले के हिसाब से पूछेगा तो आपको पता है कि कानपुर में ही है। तो वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर में है। भीतरगांव, पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष हैं भीतरगांव में। मंदिरों के निर्माण की जो शैली है या मंदिर स्थापत्य का जो उद्भव है, वो प्राचीन भारत में गुप्तकाल से ही माना जाता है, क्योंकि मंदिर निर्माण के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो गुप्तकाल से ही मिलना स्टार्ट हुए थे। तो गुप्तकाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है भीतरगांव, जिसके अवशेष अभी भी विद्यमान है, जिसको आप जाके देख सकते हैं, वो आपके कानपुर में है। वन चेतन केंद्र, शुक्ल तालाब, बनेश्वर महादेव मंदिर, ये सब कहाँ हैं, आपके कानपुर में। इसमें जब आपको याद रखने वाली चीज़ है वो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि भीतरगांव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो कानपुर देहात में है, ये याद रखिएगा। भीतरगांव का मंदिर कानपुर देहात में है, और भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष से संबंधित है, याद रखिएगा। तीसरा, पटियाली, सोरो, सुकर क्षेत्र, नदरई का पुल, वराह मंदिर। वराह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे, आपका कासगंज। तो इसमें से आपको दो चीज याद रखनी है, नदरई का पुल और वराह मंदिर। नदरई का पुल और वराह मंदिर, ये दोनों आपके कासगंज में स्थित हैं। पटना पक्षी विहार, जलेसर, अंतरजी खेड़ा और मरहरा, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, एटा में पढ़ते हैं, एटा उत्तर प्रदेश। ये महत्वपूर्ण है क्यों, क्योंकि यहाँ दो चीज एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, पहला पटना पक्षी विहार, दूसरा अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एक प्रमुख स्थल है, जहाँ से प्राचीन काल के अवशेषों की प्राप्ति हुई है, और ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण दैमाबाद, सिंधु घाटी, बेलन, ये सारी सभ्यताओं से रिलेटेड स्थल हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये अंतरजी खेड़ा है जो उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है, जहाँ से प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि अंतरजी खेड़ा ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है, अंतरजी खेड़ा क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अंतरजी खेड़ा है कहाँ, आपके एटा उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। वराह मंदिर, भगवान का मंदिर, भागीरथी मंदिर, अक्षय वट, बटुकेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे आपके हैं, सोरो कासगंज में। तो कासगंज में एक जगह है सोरो, जहाँ दो मंदिर आपको विशेष याद रखने हैं, पहला वराह भगवान का मंदिर और दूसरा बटुकेश्वर का मंदिर, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों कहाँ हैं आपके, ये दोनों आपके हैं सोरो कासगंज में। हस्तिनापुर दान तीर्थ, याद रखिएगा कि हस्तिनापुर का एक नाम दान तीर्थ भी है। परीक्षितगढ़, गागोल, लाछागिरी, अवगढ़नाथ मंदिर और आलमगीर, आलमगीरपुर हो गया यहाँ, आलमगीरपुर, ये सारे स्थल कहाँ हैं, मेरठ, कहाँ पे हैं, मेरठ में, याद रखिएगा। हस्तिनापुर एग्जाम में आपसे पूछा गया है कई बार कि दान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है, या इनमें से किस स्थल का उपनाम दान तीर्थ है, तो याद रखिएगा कि दान तीर्थ उपनाम किसका है, हस्तिनापुर का।
दूसरा आपको याद रखना है लाक्षागृह या लाक्षागृह बरनाव वही है जहां पांडवों को जला करके मार देने की योजना शकुनि ने बनाई थी, तो लाक्षागृह है। लाक्षागृह कहाँ है आपका? मेरठ से। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जिस तरह से अंतरजी खेड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है जो एटा में पड़ता है, उसी प्रकार आलमगीरपुर प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है सैंधोकालीन सभ्यता का। आलमगीरपुर जहाँ से सैंधोकालीन यानी कि सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध है और इसका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। गोपेश्वर मंदिर, गांधारी तालाब, ये आपका कहां है? परीक्षितगढ़ मेरठ में। बेग समरू निर्मित चर्च, मदर मरियम का तीर्थ स्थान, ये आपका कहां पे है? सरधना मेरठ में। और याद रखिए, हमने पिछली क्लास में आपसे बात भी करा था, सरधना मेला भी आयोजित होता है। सरधना में एक मेला भी आयोजित होता है और वो कहां आयोजित होता है? मेरठ में। क्यों मेरठ है? क्योंकि सरधना नामक स्थान पर जो कि मेरठ में, वहीं मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप चीजों को ऐसे कनेक्ट करिए, पिछली क्लास को रिवाइज भी करने की कोशिश करिए। तो सरधना मेरठ में जो प्रसिद्ध है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बेगम समरू चर्च। बेगम समरू चर्च एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कहां पे है? सरधना मेरठ पे। और इसको दूसरा नाम क्या है? मदर मरियम का तीर्थ स्थान। मदर मरियम का तीर्थ स्थान या बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च कहां पे है आपका? सरधना मेरठ पे। पांडवों की राजधानी दानवीर कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, अष्टपद तीर्थ और 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर की जन्मभूमि, ये सब कहाँ पे है आपका? हस्तिनापुर मेरठ में है। तो हस्तिनापुर आप महाभारत में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी। तो पांडवों की राजधानी थी तो पांडवों का मंदिर भी हस्तिनापुर में है, दानवीर कर्ण का मंदिर भी हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। क्लियर रखिएगा, हस्तिनापुर मंदिर हस्तिनापुर मेरठ में है, पांडवों का मंदिर हस्तिनापुर मेरठ में है, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ, दानवीर कर्ण का मंदिर हस्तिनापुर मेरठ, अष्टपद तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ जहाँ 16वें 17वें और 18वें तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। सुमेरु पर्वत कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया आपसे, सुमेरु पर्वत कहाँ पे है? सुमेरु पर्वत है आपका हस्तिनापुर मेरठ में। पूरा महादेव, बरनावा, लाक्षागृह, बलैनी, बड़ा गांव, यज्ञशाला, ये आपका कहाँ है? बागपत में। दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क। मेढक मंदिर, इंदिरा मनोरंजन पार्क, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ये सब कहाँ पे आपका? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, दो, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, दूसरा गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ये दोनों कहाँ आपके हैं? लखीमपुर खीरी में। क्लियर है? तो इन लिस्ट के साथ आपको जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं, मंदिर हैं, राजधानियां हैं, ये हमने आपके साथ शेयर किया। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां आपको चार विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में कुछ स्थान हैं, उन स्थानों से रिलेटेड वो स्थान किस स्थल पे हैं, किस शहर में हैं, उनके मिलान दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में जब जाइएगा तो जब सही नहीं वाले क्वेश्चन आए तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सरसरी निगाह से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, भूल जाते हैं, और ये अगर नहीं भूल गए तो आंसर हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जहां आपको नहीं वाले क्वेश्चन दिखे वहां सतर्क हो जाइए, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। पहला है शाकंभरी देवी सहारनपुर, ये सही सुमेलित है कि नहीं, ये पूछा गया आपसे।
दूसरा आपका है फिल्म सिटी नोएडा, बकरिया झील, संत कबीर नगर, लाख, बहोसी, पक्षी विहार, ये आपसे पूछा गया है। अगर पिछली क्लास में आप ध्यान दिए होंगे जब हमने संस्थान संगठन की बात की थी तो वहाँ हमने फिल्म सिटी की बात की थी और हमने कहा था फिल्म सिटी नोएडा में बनाई जा रही है। शाकंभरी देवी का मंदिर हमने कल ही डिस्कस किया था कहाँ है, सहारनपुर में है। और बकरिया झील बहुत फेमस है, ये कहाँ पर है, ये अगली क्लास में जब नदियों झीलों वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो वहाँ हम इनकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से झील उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है। तो बकरिया झील आपका संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको खलीलाबाद पहले बोला जाता था, अब उसका नाम संत कबीर नगर कर दिया गया है। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लाख, बहोसी, पक्षी विहार, वो मेरठ में नहीं है, ये आप क्लियर रहिए, क्योंकि लाख, बहोसी, पक्षी विहार जो है वो कन्नौज में है, मेरठ में नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। हमने यहाँ कुछ फिर स्थल और उनके नाम दिए गए हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से हम आप तक इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथेंटिक, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से हो पाए। शाकंभरी देवी मंदिर हुलास खेड़ा इसका नाम है, यहाँ याद रखिएगा हुलास खेड़ा एक जगह है। देवबंद, दारुल उलूम, लखनौती किला, ये कहाँ पे आपका, सहारनपुर। इनमें से जो दो याद रखने हैं आपको वो ये हैं शाकंभरी देवी का मंदिर और हुलास खेड़ा, ये दोनों कहाँ पे आपके, सहारनपुर में है, ये याद रखिएगा। मोदी नगर, मुराद नगर, ये कहाँ पे आपका, गाजियाबाद में। मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, मोदी नगर कैसा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपके कहाँ पे है, गाजियाबाद में। फिल्म सिटी नोएडा, सनातन धर्म मंदिर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ये कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे लखनऊ से होते हुए तो आपको रास्ते में ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई पड़ेगी और वहाँ लिखा होगा ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में आपका स्वागत है, तो आपको रास्ते में ही आपको दिखाई पड़ेगा हाईवे से सटा हुआ। तो ये तीनों कहाँ पे हैं, गौतम बुद्ध नगर, आप याद रखिएगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जितने भी स्थल इस लिस्ट में दिए गए हैं सीरियल नंबर 3 में बहुत महत्वपूर्ण हैं, फिल्म सिटी नोएडा में, सनातन धर्म मंदिर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, याद रखिएगा। संत कबीर समाधि स्थल, मगहर, तामेश्वरनाथ और बकरिया झील, ये सब कहाँ पे हैं, संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर का पहले नाम क्या था, खलीलाबाद, तो याद रखिएगा संत कबीर की जन्मस्थली है मगहर और बकरिया झील, ये तीनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बकरिया झील, मगहर और संत कबीर नगर की स्थली, ये तीनों आपके कहाँ पे हैं, संत कबीर नगर में है। शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल, शुक्रताल, मांडी, सैंधोकालीन स्थल है, ये कहाँ पे आपके, मुजफ्फरनगर। इसमें से जो आपको याद रखना है वो याद रखना है शुक्रताल, जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो शुक्रताल कहाँ पे आपका, मुजफ्फरनगर में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है मांडी, किससे संबंधित है, सैंधो काल का एक ऐतिहासिक स्थल है जो कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में। लाख, बहोसी, पक्षी विहार, सप्तमातृका प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, हाजी शरीफ का दरगाह, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, जयचंद्र का किला अवशेष, राजा जयचंद्र की 16 द्वारी तथा बराह द्वारी या डेग भबका आदि कहाँ पे हैं आपका, कन्नौज में। तो ये सारे स्थल कन्नौज में हैं। इन स्थलों में जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है वो है पहला लाख, बहोसी, पक्षी विहार, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाख, बहोसी, पक्षी विहार आपका कहाँ पे है, कन्नौज में। दूसरा सप्तमातृका प्रतिमा, ये कहाँ पे है आपका, कन्नौज में। हाजी शरीफ की दरगाह, ये याद रखना है आपको कहाँ पे है, कन्नौज में। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, इनमें से लाख, बहोसी, पक्षी विहार, कन्नौज, सप्तमातृका प्रतिमा, कन्नौज, हाजी शरीफ का दरगाह, कन्नौज। और कन्नौज को एक नाम और है, क्या बोला जाता है, इत्र की राजधानी, किसको बोला जाता है इत्र की राजधानी, कन्नौज को। तो याद रखिएगा इत्र की राजधानी कन्नौज को बोला जाता है।
नाम बौद्ध मंदिर या कंबोडियन मंदिर, इसका इस सवाल का जवाब भी हम सांस्कृतिक परिचय वाले चैप्टर में दे चुके हैं। तो अगर आप पीछे से क्लास करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ चीज़ें रिवीजन में ही मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। यहाँ तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि नाम बौद्ध मंदिर किस का एक और नाम क्या है, या नाम बौद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है तो कंबोडियन मंदिर। कंबोडियन मंदिर को नाम बौद्ध मंदिर कहा जाता है या नाम बौद्ध मंदिर को कंबोडियन मंदिर भी कहा जाता है, ये किस क्षेत्र में स्थापित है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि नाम बौद्ध मंदिर यानी कि कंबोडियन मंदिर आपका वो कौसाम्बी में स्थापित है, कौसाम्बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए हमने यहाँ फिर कुछ स्थलों के नाम दिए हैं जिनसे आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, फिर एक बार हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन स्तूप, गनवरिया पुरातात्विक स्थल, सुद्धोधन राजमहल और से सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल, ये सब कहाँ हैं? कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु कहाँ है? सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में ये सारे स्थल हैं। इसमें से जो आपको याद रखना है वो है सालार पुरातात्विक स्थल। इस सालार पुरातात्विक स्थल को आपको याद रखना है जो कहाँ है? कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में। घोषिताराम विहार अवशेष, नाम बौद्ध मंदिर जिसको कंबोडियन मंदिर भी कहा जाता है, प्रसिद्ध जैन मंदिर तीर्थ प्रभासगिरी पर्वत जिसको पभोसा भी कहा जाता है, के पास छठे तीर्थंकर पदम प्रभु का मंदिर, उदयन व जयचंद का किला अवशेष, संत मलोक दास जन्मस्थली कड़ा व कड़क शाह बाबा की मजार, ये सब कहाँ पे? कौसाम्बी में है। तो ये जो लिस्ट नंबर दो में, सीरियल नंबर दो में जितने भी स्थान दिए गए हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ जितने भी लिस्ट हम आपको जारी करेंगे वो केवल उनकी जारी करेंगे जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन बने हैं या जिनसे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत ढेर सारी है कौसाम्बी वगैरह में स्थलों की, लेकिन हम आपके सामने सिर्फ उतना ही प्रेजेंट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आप बनने की संभावनाएं हैं आप कर सकते हैं। तो घोषिताराम विहार अवशेष बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नाम बौद्ध मंदिर इसको कंबोडियन मंदिर है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ का मंदिर, प्रभासगिरी पर्वत, उदयन जयचंद का किला, संत मलोकदास की जन्मस्थली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और ये सारे स्थान कहाँ हैं? कौसाम्बी में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बनेगा, वो ये है कि संत मलोकदास की जन्मस्थली कहाँ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको और यहाँ छुपा है कि संत मलोकदास की जन्मस्थली कहाँ है, तो आप बताएंगे संत मलोकदास की जन्मस्थली कड़ा में है। क्लियर है? कालिंजर दुर्ग पिछली क्लास में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, कहाँ पे है? बांदा में है, जहाँ कालिंजर महोत्सव या कालिंजर मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा सुमेल करने का है। पहले सूची में आपको कुछ स्थल, कुछ मंदिर दिए गए हैं, दूसरे में उनका मिलान दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उनमें से कौन एक सही सुमेलित है। चलिए देवगढ़ पहले में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, सहेत महेत और सुरहा ताल पक्षी विहार, ये चार आपको दिए गए हैं। उनके सामने लिस्ट दी गई है स्थानों की, ललितपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती और बलिया, और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो सही है, जहां सही मिलान दिया गया है। एलिमिनेशन मेथड अगर आप देखेंगे तो इसमें से दो ऐसे हैं जिन पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। जब हम चर्चा सांस्कृतिक परिचय की कर रहे थे तो वहाँ हमने मंदिरों की लिस्ट में भीतर गांव और दशावतार दो की चर्चा हमने किया था। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसकी चर्चा हमने किया था और हमने आपको बताया था कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर संबंधित है, जिस तरह से भीतर गांव जो कानपुर का भीतरी है वहां से संबंधित है गुप्तकालीन। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में है, ललितपुर में है यानी कि ए का वन इसका ऑप्शन होगा। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि ए का वन जहां जहां पे होगा वो आपका विकल्प सही होगा,
ए का वन जहां पे नहीं होगा वो विकल्प आपका सही नहीं होगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए में भी ए का वन है, बी में भी ए का वन है, सी में भी ए का वन है, यानी कि ए बी सी तीनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी में ए का वन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब एलिमिनेशन मेथड के हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं। तो हमने श्रावस्ती की चर्चा की थी और श्रावस्ती बताते समय हमने एक नाम बताया था और हमने कहा था श्रावस्ती से मिलता जुलता है और वो है सहेत महेत। सहेत महेत कहाँ पे है आपका? श्रावस्ती में ही, हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, श्रावस्ती में है, यानी कि सी का थ्री। सी का थ्री अब देखिए कहाँ पे है, सी का थ्री ए में है, नहीं तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। सी का थ्री ऑप्शन बी में है, नहीं तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सी का थ्री ऑप्शन सी में है तो बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। सहेत महत कहाँ है? श्रावस्ती में। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में। इसमें से जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो आपका दो है। पहला लॉर्ड काल, इंडिविजुअल भी पूछा गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है, ये चारों ऑप्शन वहाँ दिए गए हैं और आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो याद रखिएगा लॉर्ड कार्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है और दूसरा जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो सहेत महेत पूछा गया है, तो ये श्रावस्ती में है। तो इन चारों में से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन बार बार आपके बने हैं। तो यहाँ देखिए हमने फिर एक बड़ी सी लिस्ट आपके साथ साझा किया है और इस लिस्ट के माध्यम से हम आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल से संबंधित है और मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिर निर्माण की शैली का उद्भव किस काल से माना जाता है। तो आप क्लियर रखिएगा मंदिर निर्माण उद्भव जो है या मंदिर स्थापत्य कला का जो विकास है वो गुप्त काल से माना जाता है। कई बार एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके सामने वैदिक एरा या ऋग्वैदिक एरा दे दिया जाता है जहां पूजा पद्धति स्टार्ट हुई थी, लेकिन वैदिक और ऋग्वैदिक एरा में जो पूजा पद्धति थी उसमें मंदिर की चर्चा कहीं नहीं की गई है। तो मंदिर निर्माण का जो काल है या मंदिर स्थापत्य का जो उद्भव का काल है वो आपका गुप्त काल है, यहां से आप इसको क्लियर रखिएगा। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर है। कहाँ पे है? ललितपुर में। 31 जैन मंदिर, ये कहाँ है? ललितपुर में। माता टीला बांध है, दुधई स्थित बड़ी सुरई मंदिर है, नरसिंह प्रतिमा व राजघाट, ये सब कहाँ पे हैं आपके? ललितपुर में। इसमें से जो आपको याद रखना वो तीन याद रखना। पहला देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? ललितपुर, जो कि गुप्तकाल संबंधित है। 31 जैन मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। और तीसरा माता टीला, ये कहाँ पे है? ललितपुर में, ये क्लियर रखिएगा। दूसरा ब्यास टीला, अक्षरा देवी, नरसिंह टीला, ब्यास मंदिर, 84 गुंबज, कालपी, लंका मीनार, चंदेल दुर्ग, ताईवाई महल, कालपी में बीरबल की जन्मस्थली, बीरबल रंग महल व मुगल टकसाल के अवशेष, ये सब कहाँ पे आए गए हैं? कहाँ स्थित हैं? जालौन में। तो ये सारे स्थल जालौन में हैं। इनमें से जो आपको याद रखना वो पहला ब्यास मंदिर, दूसरा 84 गुंबज कालपी, तीसरा ताईवाई महल और चौथा कालपी में बीरबल की जन्मस्थली, ये सब याद रखना है आपको। और ये सब कहाँ पे हैं? जालौन में। तो याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीरबल की जन्मस्थली, जो कई बार एग्जाम में पूछा है, बीरबल किसके दरबार में थे? बीरबल थे अकबर के दरबार में। तो बीरबल की जन्मस्थली कहाँ है एग्जाम में? जालौन या कालपी? जालौन, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके पास आए उसको आप क्लिक करिएगा। अनूप शहर, नरौरा, बरन, कर्णव्यास, आहार, खुरजा, काला आम व मामागढ़, ये सारे क्षेत्र कहाँ पे हैं? बुलंदशहर। इनमें से जो आपको जो याद रखने हैं वो खुरजा और दूसरा नरौरा, ये कहाँ पे है? बुलंदशहर, जहाँ हमारा परमाणु संयंत्र है नरौरा में। भीतरी सैदपुर गुप्तकालीन लेख, पौहरी बाबा आश्रम, जलालबाग का किला,
लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा व देवकली आदि, ये कहाँ पे आपके गाजीपुर में। तो गाजीपुर में जो स्थल है पहला इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखना, भीतरी गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, दूसरा जलालबाग का किला और तीसरा लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, ये तीनों याद रखने हैं। ये तीनों आपके कहाँ पे हैं, गाजीपुर में। सोहराताल पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वृत्तिकूट आश्रम, पराशर मुनि का आश्रम एग्जाम में पूछा गया है। भृगी मुनि का मंदिर, देवकुली धाम, खैरा डी, लखनेश्वर डी, ब्रह्माइन देवी का मंदिर और शहीद भवानी, ये सब कहाँ पे हैं आपके, बलिया में। इन सारे लिस्टों में से जो आपको याद रखना है वो है सोहराताल का पक्षी विहार और दूसरा पराशर मुनि का आश्रम। तो पराशर मुनि का आश्रम और सोहराताल पक्षी विहार ये दोनों कहाँ पे हैं, बलिया में। वन देवी, बेलवारी घाटी, मीर बाबा धाम और शहीद स्मारक, ये सब कहाँ पे आपका, मऊ में है। फिरोज शाह का मकबरा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महावृक्ष अजान सूफी शाह का मकबरा, शांति व दिगंबर जैन मंदिर, ये सब कहाँ पे हैं, फिरोजाबाद में। तो इसमें से आपको जो याद रखने वाली चीज है वो फिरोज शाह का मकबरा जो एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे है, फिरोजाबाद में। क्लियर है। सहेत महेत, इसको सहेत महेत भी कहते हैं या एग्जाम में आपके सामने सहेत महेत भी लिख के आ सकता, तो क्लियर रहिएगा। सहेत महेत या सहेत महेत दोनों में से कोई भी। जेतवन विहार के अवशेष, चाई थाई लंकाई वर्मी जापानी मंदिर, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं सांस्कृतिक परिचय वाले चैप्टर में। स्वर्णगंध कुटी विहार, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुलीमाल गुफा, अंगुलीमाल वही है जहां भगवान बुद्ध का पहली मुलाकात इनसे हुई थी। विश्व शांति घाट, आजीवक संप्रदाय, चार्य माखली गोसाल जन्मस्थली, जैन तीर्थ, सुहेल वायन वन्यजीव विहार, भिनगा सीता द्वार, ये सब कहाँ पे आपके, श्रावस्ती में हैं। तो इन श्रावस्ती में दिए गए सारे के सारे लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सहेत, चाहे वो सहेत महेत हो, चाहे जेतवन महा विहार का अवशेष हो, चाई थाई लंकाई वर्मी जापानी मंदिर हो, या आनंदी बोध वृक्ष हो, विश्व शांति घाट हो, आजीवक संप्रदाय के जो मोखली पुत्र गोसाल की जन्मस्थली है वो हो, जैन तीर्थ, सुहेल वन्य जीव विहार भिनगा या सीता द्वार हो, ये सब के सब कहाँ हैं, श्रावस्ती में, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने वाला है वो ये है कि आजीवक संप्रदाय जो था, इस आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, मक्खली गोसाल, याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, हिस्ट्री वाले पेपर में इसकी चर्चा करेंगे कि आजीवक संप्रदाय क्या होता है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है मक्खली गोसाल और इनकी जो जन्मस्थली है वो कहाँ पे है, श्रावस्ती, ये याद रखिएगा आप। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ और है। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको कुछ लिस्ट जारी किया, उसके हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके कंटिन्यू अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दो सूचियाँ दी गई हैं, इन दो सूचियों में कुछ लिस्ट दी गई है और उनका मिलान ऑलरेडी करके दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस नहीं वाले पे क्लियर हो जाइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले मैं समान पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार और दूसरा है लास्ट है सांडी पक्षी विहार। सूची 2 में स्थान दिए गए हैं मैनपुरी, रायबरेली, उन्नाव और रामपुर और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये आपका उन्नाव में पड़ता है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ये आपका सही सुमेलित है। समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है, ये भी सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत सुमेलित है क्योंकि सांडी पक्षी विहार ये रामपुर में ना होकर के कहाँ पे है, हरदोई में। तो सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है ना कि रामपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सांडी पक्षी विहार रामपुर में नहीं है, हरदोई में है, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा।
यहाँ देखिए, हमने फिर कुछ आपको स्थान दिए गए हैं, कुछ लिस्ट दी गई है, इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, तेज सिंह का किला, स्वयं ऋषि आश्रम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम, भीमसेन मंदिर और खानकाह रसीदिया, ये सारे स्थल कहाँ पे हैं? मैनपुरी में है। मैनपुरी में जो स्थल है उनमें से आपको दो विशेष रूप से याद रखना है, पहला समान पक्षी विहार और दूसरा स्वयं ऋषि का आश्रम। तो समान पक्षी विहार और स्वयं ऋषि का आश्रम, ये दोनों कहाँ पे हैं? मैनपुरी में, आप इसको याद रखिएगा। सैफई जहाँ महोत्सव लगता है, सैफई महोत्सव, आसाई किला, टिक्सी मंदिर, पंचनद्दा, मूछ, भारे व चकर नगर, ये सब कहाँ पे हैं आपके? इटावा में। और सैफई में महोत्सव लगता है और सैफई में महोत्सव लगता है, ये क्षेत्र है अखिलेश यादव सरकार के समय का प्रसिद्ध क्षेत्र, आप याद रखिएगा। तो इटावा के जो नगर आपको दिए गए हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है वो है सैफई। देवकली मंदिर औरैया में है, जायसी स्मारक और टीकर माफी आश्रम, ये दोनों कहाँ पे हैं? अमेठी में, याद रखिएगा। अमेठी की हमने बताया था, अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो ऐसे रिवाइज करिए, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। और अमेठी के जो प्रसिद्ध दोनों स्थल हैं, जायसी स्मारक और टीकर माफी आश्रम, दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखिएगा। समस्तपुर पक्षी विहार और डलमऊ, ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो समस्तपुर पक्षी विहार और डलमऊ, ये दोनों कहाँ पे हैं? रायबरेली में। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर बांगरमऊ, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, बक्सर, बंथरा, सचानकोट, बदरका व परियर, ये सब कहाँ पे हैं? उन्नाव में। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार याद, ये आप याद रखिएगा। इसमें से, इस लिस्ट में से जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहाँ पे आपका? उन्नाव में। श्री ताऊ जी महाराज हसायन महाकाली मंदिर, ये हाथरस में है। दहर झील, सांडी पक्षी विहार व विक्टोरिया हाल, ये दोनों आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? हरदोई में। तो सांडी पक्षी विहार या विक्टोरिया हाल, ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों आपके हरदोई में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर आपका सुमेल करने का है, और यहाँ हमने कुछ आपको लिस्ट दी है सूचीबन में, सूची टू में उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, और पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक सही विकल्प है। सूचीबन में है अमरूद नगरी, आंवला नगरी, नाथ नगर, उद्योग नगरी, ये उपनाम है कुछ शहरों के, और दूसरे लिस्ट में वो शहर दिए गए हैं, और पूछा गया है कि वो जो उपनाम पहले लिस्ट में दिए गए हैं उनमें से कौन इसको सही करता है, कौन इसका सही मिलान के हिसाब से सही होता है। पहले है प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर और गाजियाबाद। तो आप पढ़े होंगे, अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, और मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? गाजियाबाद में। और मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया है गाजियाबाद में, तो उसी गाजियाबाद को एक उपनाम से, इंडस्ट्रियल एरिया के उपनाम से भी जाना जाता है, और उस उपनाम का नाम है उद्योग नगरी। तो उत्तर प्रदेश में उद्योग नगरी के नाम से जो स्थान जाना जाता है वो गाजियाबाद, और गाजियाबाद का जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया वो है मोदी नगर। तो डी का फोर, तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि डी का फोर जहां जहां पे होगा वही हमारा विकल्प है। तो डी का फोर ऑप्शन में ए में है, हाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। डी का फोर ऑप्शन बी में है, नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। डी का फोर ऑप्शन सी में है, नहीं, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी का फोर ऑप्शन वन में है, डी में है, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से इतने बड़े क्वेश्चनों को करना कितना आसान है। तो एलिमिनेशन मेथड से एक ही इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको आंसर मिल गया कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए। ए का मतलब अमरूद नगरी, प्रयागराज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नगरियाँ, आंवला नगरी प्रतापगढ़, नाथ नगरी गोरखपुर और उद्योग नगरी गाजियाबाद। तो यहाँ देखिए हमने कुछ उपनाम दिए गए हैं, कुछ शहरों के वहाँ होने वाले उद्योगों की लिस्ट दी गई है, उनसे संबंधित स्थान भी दिए गए हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। संगम नगरी,
क्लियर है। संगम नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां तीन नदियों का संगम होता है, तीन नदियों का संगम होता है, और यहां कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन भी होता है, और इसको पहले अलाहाबाद भी कहा जाता था। तो ये कौन सा स्थान है? प्रयागराज। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे उपनामों से किसको जाना जाता है? प्रयागराज को। और ये सारे उपनाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, तो इसको लेकर के आप क्लियर रहिएगा। आंवला नगरी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है प्रतापगढ़ में। गोरखधाम, गोरखपुर, नाथ द्वार तो आपका जयपुर में है, गोरखधाम, गोरखपुर, नाथनगर, गोरखपुर और गीता प्रश्नगर, ये गोरखपुर, इन तीनों उपनामों से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? गोरखपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी कौन सा? गाजियाबाद। एक उपनाम आप और देख लीजिए, क्या है? छोटा दिल्ली। छोटा दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता है? गाजियाबाद। और उद्योग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद का प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? उद्योग एरिया कौन सा है? मोदी नगर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सो विंडो, उत्तर प्रदेश का सो विंडो कहाँ है? नोएडा को बोला जाता है, और इसी नोएडा में आपका है फिल्म सिटी, और अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि यही दलित प्रेरणा स्थल भी आपको देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। रामनगर, ये वो रामनगर नहीं है जो अलीगढ़ के क्षेत्र की तरफ पड़ता है, ये रामनगर उपनाम है, जहां राम का जन्म हुआ था और जहां राम राजा के रूप में स्थापित हुए थे। तो रामनगर यानी कि अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या, रामचरित मानस जन्मभूमि अयोध्या, भू वैकुंठ अयोध्या और अवध अयोध्या, साकेत धाम अयोध्या, इनमें से जो आपको पूछा जाएगा, क्योंकि रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस और साकेत धाम और अवध, इनके बारे में आप परिचित हैं, आप आंसर अयोध्या बता देंगे, लेकिन जो आपको पूछा जा सकता है आपको डायलेमा में डालने के लिए एग्जाम में, वो है भू वैकुंठ। तो भू वैकुंठ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अयोध्या धाम। भगवत कथा नगर शुक्रताल, ये हमने पिछले क्लास में बात किया था, 88,000 ऋषियों की तपीभूमि, ठीक है ना, 30,000 तीर्थों का स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 84,000 या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य, नैमिषारण्य को बोला जाता है, नैमिषारण्य का उपनाम है जो सीतापुर में पड़ता है। कैंची नगर और क्रांति नगर, कैंची नगर और क्रांति नगर मेरठ को बोला जाता है। कैंची नगर क्यों? क्योंकि यहां कैंची का सबसे अधिक उत्पादन होता है और एक जिले एक उत्पाद के रूप में भी कैंची उत्पादन में मेरठ प्रसिद्ध है। और क्रांति नगर इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति का सूत्रपात यही हुआ था, तो क्रांति नगर उपनाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि यहां 1857 के क्रांति का सूत्रपात हुआ, पहला बिगुल यहां बजा, माचिस की तिली यहां जली और पूरे उत्तर भारत में 1857 की क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। तो उसके याद में या उसके सम्मान में इसको क्रांति नगर के रूप में देखा जाता है और कैंची नगर उसके उत्पादन से संबंधित है। जैनी लोगों का काशी किसको बोला जाता है? हस्तिनापुर मेरठ को। और हस्तिनापुर मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये पांडवों की राजधानी है, यहां दानवीर कर्ण का मंदिर है और हस्तिनापुर मंदिर भी यहां पे है, और पांडवों का मंदिर भी कहां पे है? हस्तिनापुर मेरठ में। और हस्तिनापुर मेरठ को एक और उपनाम से, जैनी लोगों का काशी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था, इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर किसको बोला जाता है? कन्नौज को। काशी की बहन गाजीपुर, किसको? काशी की बहन गाजीपुर, वाराणसी के बगल में, वाराणसी में है काशीपुर के बगल में, तो काशी की बहन गाजीपुर को बोला जाता है। और अभी हमने कुछ देर पहले आपसे बात किया था कि इसी गाजीपुर में एक मकबरा है, पिछले भी क्लास में हमने बात किया था, इसी क्लास के पिछले लिस्ट में हमने बात किया था
कि यहाँ एक मकबरा है जो ब्रिटिश गवर्नर रहे हैं उनका मकबरा है, आप इसको आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले हमने बात किया था कि किसका मकबरा गाजीपुर में है। तो गाजीपुर में एक ब्रिटिश गवर्नर का मकबरा भी है, इसका आप कमेंट में आंसर करके हमें बताइएगा कौन है वो, और काशी की बहन के रूप में गाजीपुर को जाना जाता है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है, तो धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। तो ये लिस्ट है कुछ उपनामों की जिनको हमने आपके साथ शेयर किया, और वो क्यों उपनाम बनाए गए हैं ये भी हमने आपको बताया। तो इन लिस्टों को याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और कुछ नाम हैं जिनको हम शेयर करते हैं आपके साथ, नवाबों का शहर और चाकुओं का शहर, चाकुओं का नगर वो कौन सा है, रामपुर। ताज नगरी, पेठा नगरी, क्लियर है, अंडरस्टूड है, आगरा। लड्डू नगरी, संडीला, हरदोई। कभी आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हों, दिल्ली से आप गोरखपुर या लखनऊ की तरफ आ रहे हों, और वो ट्रेन अगर हरदोई संडीला से होते निकल रही होगी, तो आपको वहाँ संडीला स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है तो लोग वहाँ एक छोटे से मटके टाइप में बर्तन लिए हुए, उसमें लड्डू रखे हुए आपसे मिलेंगे, और आपको मौका मिले तो आप उस लड्डू को ज़रूर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो लड्डू, और इसीलिए वो वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं, बहुत अच्छे लड्डू मिलते हैं आपको मटके में करके वहाँ मिलेंगे। तो लड्डू नगरी आप इसको भी ऐसे कहानी से याद रखिएगा कि संडीला हरदोई में है। सुहाग नगरी, चूड़ी की नगरी, ये किसको बोला जाता है, फिरोजाबाद में, क्योंकि कांच का काम यहाँ फिरोजाबाद में सबसे अधिक होता है, और फिरोजाबाद की जो चूड़ियाँ हैं वो विश्व फेमस हैं, फिरोजाबाद की जो चूड़ियों का जो निर्यात है वो वैश्विक स्तर पर किया जाता है। हींग व गुलाल की नगरी, हाथरस को कहा जाता है। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, भू वैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र मथुरा को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है, पेड़ा नगरी याद रखिएगा। जब भी आप मथुरा जाएंगे, वृंदावन घूमने जाएंगे, तो आपको वहाँ पेड़े जरूर मिलेंगे, पेड़े आप जरूर मिलेंगे, वहाँ फेमस वहाँ प्रसाद के रूप में पेड़े ही चढ़ाए जाते हैं, और वहाँ के पेड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और उस पेड़ों की डिमांड जिस तरह से हमारे आगरा के पेठे का है, उसी प्रकार मथुरा के पेड़े का भी बड़े स्तर पे डिमांड है। आप जाइए तो इसको जरूर घूमिए, वृंदावन बहुत अच्छी जगह है जहाँ आपको घूमना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ पेड़े खा के आइए, घूम के आइए। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, और हमने पिछली पहली क्लास में बात किया था कि अलीगढ़ एक और रूप से प्रसिद्ध है, वो हमने आपसे बात किया था क्यों प्रसिद्ध है, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इतना हिंट दे देता हूं कि ये 2008 में ये प्रसिद्ध हुआ, 2008 में ये यहां कोई एक ऐसी संस्था बनाई गई, या 2008 में अलीगढ़ को एक ऐसे प्रशासनिक डिवीजन के अंदर शामिल किया गया है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, और वो प्रशासनिक डिवीजन का जो रैंकिंग है इसका 18वां है। तो अलीगढ़ को 18वें रैंक दी गई है 2008 में, एक प्रशासनिक डिवीजन के रूप में शामिल किया गया है, और उसके शामिल करने से अब उत्तर प्रदेश में कुल 18 उस क्षेत्र के डिवीजन हो गए हैं। अब आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि अलीगढ़ को जो 18वीं रैंक मिली है वो किस रूप में मिली है, कौन से डिवीजन के रूप में इसको मिली हुई है। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है, सोनभद्र को। बांस बरेली या सूरमा नगरी, बांस बरेली या सूरमा नगरी किसको बोला जाता है, बरेली में, और गाना भी आपका फेमस है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बांस नगरी या सूरमा नगरी ये कहाँ है आपका, बरेली में। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर, लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा। इसमें से जो चीज़ आपको याद रखने वाली है वो है बागों का नगर, नजाकत, नफासत का नगर, नजाकत, नफासत का नगर, और बागों का शहर ये क्या है, लखनऊ। और लखनऊ में आप एंट्री करेंगे तो हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ, मुस्कराइए आप लखनऊ में। और जॉली एलएलबी 2 में भी डिबेट के दौरान वो दिखाई पड़ता है, जब कहा जाता है सर साहब मुस्कराइए आप लखनऊ में, और वहाँ एक डायलॉग और फेमस है उसको याद रखिएगा कि सीतापुर के लड्डू बहुत मीठे होते हैं। बुंदेली कश्मीर किसको कहा जाता है,
चरखारी कस्बा महोबा को मिनी खजुराहो गणेश बाग कार्बी पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, पीतल नगरी बर्तनों के शहर के रूप में मुरादाबाद बहुत फेमस है, मुरादाबाद विश्वनाथ नगरी, ये पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, रांड सांड, सीढ़ी नगर, पांडों का नगर, घाटों का नगर, ये सब वाराणसी को कहा जाता है। इसमें से जो आपको तीन याद रखने हैं, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र और रांड सांड, ये तीनों क्षेत्र कहाँ पे हैं, वाराणसी में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिराज हिंद, पूर्व का सिराज किसको बोला जाता है, जौनपुर को। तो सिराज हिंद और पूर्व का सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बोला जाता है जौनपुर को। और अभी कुछ देर पहले मैं बात किया मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र और रांड सांड के रूप में किसको जाना जाता है, वाराणसी को। चलिए अगले क्वेश्चन में अपना चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर के उपनाम से किसे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है सूती या कॉटन वस्त्र के उत्पादन निर्यात में, उसी तरह कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर सूती वस्त्र के उत्पादन निर्यात में कहा जाता है। तो वो ख्याति जो प्राप्त है वो आपके कानपुर को मिली हुई है, कानपुर का जो उपनाम है पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर उसको कहा जाता है। प्रदेश में पर्यटन पुलिस, हमने पिछले क्लास में बात किया था जब आपको सांस्कृतिक परिचय की बात की थी या चौथे क्लास के पहले पार्ट में बात किया था, तो हमने कहा था पर्यटन को विकसित करने के लिए, पर्यटन को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, पर्यटन नीति बनाई गई 1998 में, 1998 में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को विकसित करने के लिए पर्यटन मित्र बनाए गए, पर्यटन को विकसित करने के लिए भाषा कोड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए गए, पर्यटन को विकसित करने के लिए जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनके अगल बगल के घरों में, आवासीय घरों में किराए के मकानों को रखने के लिए भी योजना सरकार ने बनाई ताकि पर्यटन को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके, और पर्यटन को विकसित करने के लिए कुछ परिपथों का भी निर्माण सरकार ने किया। फिर हमने आपसे बात किया था कि जो पर्यटन विकास या पर्यटन नीति बनाई गई उसमें कुल 7 पर्यटन स्थलों को शुरुआत में शामिल किया गया, और उन्हीं 7 पर्यटन स्थलों के भव्य रूप से विकसित करने के लिए जो नई पर्यटन नीति है 2016 में आई उसके तहत 7 परिपथों का विकास किया गया। जिस 7 परिपथों का विकास किया गया उसकी लिस्ट भी हमने वहां जारी किया था, और हमने आपसे कहा था कि इन परिपथों का मूल उद्देश्य ये है कि इन परिपथों के रास्ते में या इन परिपथों के एरियाज में आने वाले सारे सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन स्थलों को इस प्रकार विकसित करना कि उनका वैश्विक स्तर पे मांग बढ़े और उनको वैश्विक स्तर पे हम रैंकिंग दिला सकें। तो इसी के क्रम में पर्यटन पुलिस का भी गठन किया गया पर्यटन विकास को और अधिक प्रमोट करने के लिए, और वो किया गया आपका 2000 और 2001 के दौरान। तो प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन 2000 और 2001 के दौरान किया गया। तो देखिए हमने आपको यहाँ दिया हुआ है, सन 2000 और 2001 के दौर में प्रदेश में पर्यटन पुलिस का विभाग का गठन कर आगरा, वाराणसी व लखनऊ में तैनात किया गया। तो आप क्लियर रखिएगा, पहला क्वेश्चन यह हुआ कि पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया, सन 2000 और 2001 में पर्यतन पुलिस की तैनाती कहाँ की गई। तो 3 स्थल हमने आपको बताया शुरुआत में, आगरा, वाराणसी और लखनऊ, इन 3 जगहों पे पर्यटन पुलिस का गठन किया गया, उनको तैनाती की गई। आगे चलकर झांसी, प्रयागराज व मथुरा में भी पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई। केंद्र के द्वारा कुशीनगर व श्रावस्ती में TFSO की तैनाती की गई है। तो आप पर्यटन पुलिस को लेकर के जितनी इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको दे दिया कि सन 2000-2001 में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया। सबसे पहले पर्यटन पुलिस 3 क्षेत्रों में आगरा, वाराणसी, लखनऊ में तैनात किए गए, फिर आपके झांसी, प्रयागराज और मथुरा में पर्यटन पुलिस को तैनात किया गया। अपने अगले क्वेश्चन करते हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में 1998, अभी हमने बात किया कि राज्य में 1998 में क्या हुआ था, तो
तो राज्य में 1998 में पहली पर्यटन नीति घोषित की गई थी और उसी दौरान पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया था। और हमने अभी कुछ देर पहले आपसे शेयर किया कि पहली पर्यटन नीति में पर्यटन को और अधिक सुदृढ़ तरीके से भारत में उद्योग के रूप में विकसित करने और इनके डिमांड को बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों को बड़े मात्रा में आकर्षित करने और देशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने को लेकर के सरकार ने कुछ क्षेत्रों का चयन किया और उन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी उस समय 7। तो यहाँ पूछा गया है राज्य में 1998 के घोषित प्रथम पर्यटन नीति, पहला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित किया गया, 1998 में। पर्यटन विकास हेतु कुल कितने परिपथ चिन्हित किए गए, अभी हमने आपको बताया कुल 7 परिपथों का चयन किया गया था 1998 के प्रथम पर्यटन नीति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देखिए यहां हमने पर्यटन विभाग से संबंधित जो चीजें हैं, जो लिस्ट हैं, जो परिपथ हैं, उनकी हमने आपकी लिस्ट जारी की है। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1998 में प्रख्यापित राज्य के प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथों का चयन किया गया, जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने बताया था और अभी कुछ देर पहले ही बताया। नई पर्यटन नीति 2016 में, यह भी हमने आपसे बात किया, में 7 और परिपथों को शामिल किया गया। प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथ और दूसरे पर्यटन नीति जो 2016 में आई, नई पर्यटन नीति जिसको नाम दिया गया, उसमें 7 और परिपथों का चयन किया गया। प्रथम नीति में चयनित जो 7 परिपथ हैं वो हैं ब्रज परिपथ, जिसमें आपका क्षेत्र शामिल है मथुरा, वृंदावन, आगरा तथा कृष्ण लीलाओं से जुड़े हुए क्षेत्र। तो प्रथम नीति में आपका पहला क्षेत्र ब्रज परिपथ है, जिसमें कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके विकास को चिन्हित किया गया है, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है। दूसरा जो क्षेत्र है आपका वो बुंदेलखंड परिपथ है, जिसमें झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाना है। तीसरा बौद्ध परिपथ है, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों को विकसित किया जाना है। चौथा विंध्य परिपथ है, जिसमें विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना है। पांचवा अवध परिपथ है, जिसमें लखनऊ तथा प्रयागराज के मध्य के क्षेत्रों का विकास किया जाना है। छठा है वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, जिसमें प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों, वन विहार, इको पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना है। और सातवां है जल विहार परिपथ, ऐसे क्षेत्र जहाँ जल क्रीड़ा से संबंधित पर्यटन को विकसित किया जाए, उसका विकास किया जा सकता है। तो प्रथम जो नीति थी पर्यटन नीति, उसमें 7 क्षेत्र कौन कौन से थे, ब्रज क्षेत्र जिनका संबंध कृष्ण लीलाओं से संबंधित क्षेत्रों से विकास किया जाना है। दूसरा बुंदेलखंड परिपथ, जो बुंदेलखंड के अगल बगल के एरियाज हैं, देवगढ़, ललितपुर, झांसी, इन सब का विकास किया जाना है। तीसरा है बौद्ध परिपथ, बौद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों का विकास किया जाना है। चौथा है विंध्य परिपथ, जहाँ विंध्याचल और सोनभद्र से संबंधित क्षेत्रों का विकास किया जाना है। पांचवा है अवध क्षेत्र, जिसमें लखनऊ और प्रयागराज के बीच के क्षेत्रों का विकास किया जाना है। छठा है वन इको एवं साहसिक पर्यटन क्षेत्र, इसमें उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन विभाग के जीव पर्यावरण संबंधित क्षेत्र हैं उनको विकास किया जाना है। वन विहार संबंधित क्षेत्र हैं इनको विकास किया जाना है। इको पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाना है। और सातवां है जल विहार क्षेत्र, जहाँ उत्तर प्रदेश में जल क्रीड़ा पर्यावरण को विकसित किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों को विकसित ये जाने के लिए इन परिपथों का चयन किया गया है। पर्यटन नीति जो 2016 में आई, इसको नई पर्यटन नीति कहा गया, इसमें 7 और परिपथों का चयन किया गया पर्यटन विकास के लिए। वो कौन कौन से, हेरिटेज आर्क, जिसमें हमने पहले क्लास में बात किया था कि इनमें से किसको किसको हेरिटेज आर्क में शामिल किया गया है, तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा को शामिल किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से किन शहर को हेरिटेज आर्क के रूप में शामिल किया गया है, तो 3 हैं लखनऊ, आगरा और वाराणसी। किसको नहीं शामिल किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी के अलावा जितने भी शहर हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और लखनऊ, आगरा, वाराणसी वही शहर हैं जहाँ पहली बार सन 2000-2001 में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया और पर्यटन पुलिस की तैनाती भी की गई। तो हेरिटेज आर्क, जिसके तहत आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्रों का विकास किया जाना है।
महाभारत परिपथ, महाभारत काल से जुड़े स्थलों का विकास किया जाना है, रामायण परिपथ, रामायण में उल्लिखित स्थलों का विकास किया जाना है, जैन परिपथ, जैन धर्म से जुड़े स्थानों का विकास किया जाना है, सूफी परिपथ, सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थलों का विकास किया जाना है, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल का विकास किया जाना है, क्राफ्ट क्यूजीन और कल्चर परिपथ, हस्तशिल्प व्यंजन और विशेष सांस्कृतिक व्यंजन केंद्रों का विकास किया जाना है। तो आप याद रखिएगा कि 1998 में 7 परिपथ और 2016 में 7 परिपथ, तो कुल कितने परिपथ हो गए, 14 परिपथों के तहत पर्यटन को विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले में कौन कौन से थे, ब्रज परिपथ जिनका विकास कृष्ण लीलाओं से संबंधित स्थानों किया जाना है, दूसरा है बुंदेलखंड परिपथ जो बुंदेलखंड के अगल बगल क्षेत्रों का विकास किया जाना है, तीसरा है बौद्ध परिपथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का विकास किया जाना है, चौथा है आपका अवध परिपथ जो लखनऊ और प्रयागराज के बीच के क्षेत्रों को मिलाकर विकसित किया जाना है, विंध्य परिपथ जो विंध्याचल सोनभद्र के क्षेत्रों को विकसित किया जाना है, वन परिपथ जहाँ वन इको टूरिज्म को विकसित किया जाना है, और जल क्रीड़ा परिपथ जहाँ जल क्रीड़ा से संबंधित पर्यटक स्थलों को विकास किया जाना है। दूसरे में 7 कौन कौन से हैं, हेरिटेज आर्क जिनके तहत लखनऊ आगरा वाराणसी का विकास किया जाना है, महाभारत परिपथ जिसमें महाभारत से संबंधित स्थलों का विकास किया जाना है, रामायण परिपथ जहां रामायण से संबंधित स्थलों का विकास किया जाना है, चौथा जैन परिपथ जहां जैन धर्म से संबंधित स्थल उनका विकास किया जाना है, सूफी परिपथ सूफीवाद से संबंधित स्थलों का विकास किया जाना है, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जाना है, क्राफ्ट म्यूजियम और कल्चर परिपथ जहां हस्तशिल्प उद्योग और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों जितने भी परिपथ वाले हैं यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं, तो परिपथ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिस्ट याद रखिएगा, कुल 14 है, 14 को आप याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए हम आज चलते हैं अपने लास्ट सवाल पे, आज का हमारा लास्ट सवाल है, प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना, हमने अभी बताया था कि सरकार ने पर्यटन को अच्छे तरीके से विकसित करने और पर्यटकों को निवास देने के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था करने के लिए पेइंग गेस्ट योजना संचालित किया, जिसके तहत ये नियम बनाए गए कि स्वेच्छा से जो भी मकान मालिक अपना मकान के कुछ हिस्से किराए पे देना चाहते हैं पर्यटन स्थलों के आसपास के निवासी क्षेत्रों में वो दे सकते हैं, उनके लिए बकायदा सरकारी नियमों के तहत आवंटन होगा, सरकारी नियमों के तहत उनको पूरा सिक्योरिटी दी जाएगी, और इसके तहत जो योजना है उसका नाम है पेइंग गेस्ट योजना। तो क्वेश्चन हमारा है कि पेइंग गेस्ट योजना का संचालन कब से किया जा रहा है, तो आंसर है पेइंग गेस्ट योजना का संचालन 1994 से किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम इसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में बात आपसे किया था कि राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने हेतु राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये आप क्लियर रखिएगा कि राज्य पूंजी उपादान योजना का संबंध किस विषय से है, तो आप बोलेंगे कि राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना का जो संबंध है वो पर्यटन को प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित किए जाने वाली योजना से संबंधित है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने हेतु कौन सी योजना संचालित की गई है, तो आपका जवाब होगा कि राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है पर्यटन को मुख्य व्यवसाय या प्रमुख व्यवसाय बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को उनकी परियोजना लागत की 15% अथवा 7.50 लाख रुपए जो भी कम हो राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। तो राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना का संबंध पर्यटन को मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित करना है, और उसको विकसित करने में जो लागत आएगी उसका 15% या 7.5 लाख रुपए जो भी होगा वो राज्यों को सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश के लिए एकल मेज प्रणाली भी लागू की गई है, याद रखिएगा कि पर्यटन क्षेत्र में
अधिक पूंजी निवेश के लिए जो प्रणाली लागू की गई है उसको क्या बोला गया है, एकल मेज प्रणाली, एक ही टेबल पे सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही डिस्कवर योर रूट्स योजना, तो याद रखिएगा कि डिस्कवर, हमने पहले क्लास में बात किया था, डिस्कवर योर रूट्स, अपने जड़ों को खोजो, अपने जड़ों को पहचानिए, अपने अतीत को समझिए, अपने अतीत को पहचानिए, अपने अतीत का प्रमोशन करिए, अपने अतीत से लगाव पैदा करिए, अपने अतीत को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करिए। इसके लिए जो योजना चलाई गई वो डिस्कवर योर रूट्स चलाई गई, और डिस्कवर योर रूट्स योजना का संबंध किससे है, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना का संबंध पर्यटन विभाग से है, और पर्यटन विभाग ने जो चलाई जा रही योजना है उसको कौन देख रहा है, राज्य पर्यटन विभाग, जो डिस्कवर योर रूट्स योजना चला रही है, जिसके तहत भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज करना है। जो भारतीय मूल के विदेशी हैं, जो विश्व में भारत के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, जो विश्व में भारत के परचम को लहरा रहे हैं, जो किसी भी रूप से भारतीय मूल की विदेशी का दर्जा प्राप्त हैं, उनके भारतीय पूर्वजों को ढूंढना, उनको ढूंढ कर निकालना, और उनसे उनके जो आगे की पीढ़ी है उनका लिंकेज बनाना, जिससे भारत के अतीत के गौरव को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, भारत के अतीत के गौरव को पुनर्जीवित किया जा सके, और भारत के अतीत के गौरव के एक सुदृढ़ आधार दिया जा सके। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जो चलाई गई योजना है वो कौन सी है, डिस्कवरी और रूट्स योजना, इसका संबंध किससे है, पर्यटन क्षेत्र से है। मई 2008 में राज्य के महानगरों व पर्यटन स्थलों, याद रखिएगा, पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा, इसके द्वारा, स्टेट द्वारा नहीं, केंद्र द्वारा, याद रखिएगा केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र द्वारा शुरू की गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कितने इंफॉर्मेशन इसमें है, पहला कि इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का संबंध पर्यटन क्षेत्र के विकास से है। कैसी योजना है, केंद्र की योजना है, क्रियान्वयन करने वाली इकाई कौन है, तो क्रियान्वयन करने वाली इकाई राज्य सरकारें होंगी। इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि राज्य में महानगरों पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक और सस्ते आवासीय विकल्प उपलब्ध कराना, और ये योजना कब स्टार्ट की गई, सन 2008 में। तो इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना सन 2008 में स्टार्ट की गई, केंद्र सरकार की योजना है, क्रियान्वयन इकाई राज्य सरकारें होंगी, और इसका उद्देश्य है महानगर या पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आवासीय सस्ती और अच्छे ठहराव विकल्पों को चयन के रूप में उन्हें प्रदान करना। किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में 1994 से संचालित की जा रही है। हमने अभी आपसे बोला ना कि पेइंग गेस्ट योजना का संबंध किससे है, पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने से संबंधित है। क्या है पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने से संबंधित जो पेइंग गेस्ट योजना है, 1994 से संचालित की जा रही है, और इसके थ्रू किसी भी निजी मकान मालिक जो संबंधित पर्यटन क्षेत्र के स्थल में जिनका आवास है, वो अपने आवास के अधिकतम 5 कमरों को पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं। इस सारे का सारा जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो पेइंग गेस्ट योजना हो, चाहे वो इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना हो, ये सारी योजनाएं पर्यटन क्षेत्र को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने हेतु चलाई जा रही योजनाएं हैं, और इन योजनाओं का कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने में फायदा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास चैप्टर 4 का पार्ट 2 था, ये हमारा कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर
फोर के पार्ट टू के साथ हमारा जो चैप्टर फोर है जिसके कुल दो पार्ट हैं पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। चैप्टर फोर हमारा था ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते थे वो हमने आपके साथ शेयर किया। कल हम अपने नए क्लास चैप्टर फाइव के साथ मिलेंगे। पिछली क्लासेज आप देखते जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत आपको हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सारे माध्यम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो भी क्लास हो रही है इस क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ मटेरियल हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भूमिया से मिलेंगे, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक से कनेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि 4 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और 4 अक्टूबर से जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो साइंस टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फ्रेश बैच के साथ स्टार्ट हो रहा है। और समय है शाम 3 बजकर 5 मिनट से स्टार्ट होगी क्लास हमारी, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो 4 अक्टूबर 2021 से नए बैच में आपका स्वागत है, आप आइए क्लास ज्वाइन करिए। क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से संचालित की जा रही हैं, हमारी क्लास हाइब्रिड मोड में है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि जब तक सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल है क्लास ऑफलाइन मोड में चलेगी, कहीं कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो क्लास ऑफलाइन मोड में ऑफ रहेगी, ऑनलाइन मोड में आपकी क्लास तय समय पर चलती रहेगी। किसी कारणवश अगर आप क्लास किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो उस क्लास का जो लेक्चर है वो आपको वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 4 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ, आप उसको ज्वाइन करिए, क्लास को अपने कंटिन्यू करिए, रिविजन करिए, कहीं कोई दिक्कत संपर्क करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।